इस टाइप के वीडियो अगर आप भी बनाते हैं तो आपका भी चैनल कभी भी बंद हो सकता है। आजकल यार जब से साला यूट्यूब आया है तब से लोग अनगिनत टाइप के वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। मतलब कुछ पता ही नहीं होता है किस टाइप के वीडियो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हर कुछ मतलब जो मन में आ रहा है वही परोसने जा रहे हैं। लोगों को कोई सेंस ही नहीं मिलता। यूट्यूबर भी हूँ, मतलब पहले के यूट्यूबर भी हुआ करते थे जब हमने यूट्यूब चैनल बनाया था, लेकिन आजकल के यूट्यूबर तो पता नहीं अनगण बन कुछ भी बनाते रहते हैं। तो कम्प्लीटली मैं वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे कौन से ऐसे टॉपिक है, कौन से ऐसे यूट्यूब चैनल है या फिर कैटेगरी है जिस टाइप के अगर आप भी ऐसे बनाते हैं तो सावधान हो जाइए, कभी भी आपका चैनल बंद हो सकता है। तो वो कौन से एक एक करके मैं टॉपिक क्लियर करूंगा आपको कि ये कौन कौन से आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। और अगर इस टाइप के वीडियो आप भी बना रहे हैं तो वार्निंग है कि आप कभी भी गूगल के रडार पर आ सकते हैं, यूट्यूब के रडार पर आ सकते हैं, और कभी भी आपकी पूरी इनकम जो एडसेंस से कमा रहे हैं या फिर जितने भी सोर्स से कमा रहे हैं वो सब बंद हो सकती है, क्योंकि आपके यूट्यूब चैनल ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार चंदेल और आप देख रहे हैं पैसा वर्सेस मनी यूट्यूब चैनल। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। देखते हैं दोस्तों, ये 2000 मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, ये 2018-19 के बाद से होने लगा है। ये 19 में तो इतनी ज़्यादा इस टाइप के चैनल बनने लगे और इस टाइप के वीडियो कंटेंट होने लगे, इस टाइप के वीडियो बनने लगे, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे अनगिनत टॉपिक जो कि उनकी सच्चाई कितनी है इस टाइप की वीडियो बनाने लग गए हैं। तो इस टाइप के अगर आप भी वीडियो बना रहे तो आपको भी सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए एड्स हमारा यूट्यूब चैनल क्या है कि हमारा एक इनकम सोर्स है और हम नहीं, हमें वो सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं आए। अगर मैं बात करूं तो जैसे एक फर्स्ट कैटेगरी में लेता हूं, तो फर्स्ट कैटेगरी होती है कि जैसे वो मैट्रिमोनी साइट होती है ना, जो शादी.com टाइप की जो वेबसाइट होती है जो शादी या संबंध जोड़ती है, इस टाइप के वीडियो बनने लग गए हैं। मतलब आप देखोगे कि एक वीडियो आता है, वो वीडियो पर आता है, वो कहता है कि एक ये लड़की है, इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी जॉब करती है, ऐसी नौकरी करती है, गोरी है, कद इतना है, इतनी हट्टी काटी है और इस समाज की है, इतने इस परिवार की है, इसको ऐसा वर चाहिए, वो 5 फुट 6 इंच का होना चाहिए, वो गोरा होना चाहिए, वो एजुकेटेड होना चाहिए, वो ऐसी जॉब करना चाहिए, इतने कमाना चाहिए। तो अनगिनत मतलब कुछ भी उसमें बता रहे। अब आप देखोगे इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें जब आप उनके कमेंट चेक करोगे तो इतने कमेंट, गंदे गंदे कमेंट रहते हैं वहां पर, इतने कमेंट रहते हैं, बोले ऐसा करते वैसा करते, ये लड़की तो ऐसी, मतलब इतने मैं बता नहीं सकता इस वीडियो में कि कितने गंदे गंदे कमेंट करे जाते हैं। साथ में वो जो यूट्यूबर है वो उस लड़की का ऐसा बैकग्राउंड बताता है, इस टाइप से उसका इंट्रोड्यूस करता है लोगों के सामने कि एक मतलब अश्लीलता की हद हो जाती है यार। मतलब एक उन्होंने भी अगर कोई ऐसा तो है नहीं कि उस लड़की ने बिना कहे या उसके परिवार ने नहीं कहा और उसके बगैर ये यूट्यूबर उसके बारे में उसके लिए वर्ड ढूंढ रहा है या उसके लिए लड़का ढूंढ रहा है, कहीं ना कहीं उस परिवार की भी सहमति हुई होगी। लेकिन उस परिवार को भी नहीं पता होता है कि मेरी बेटी या फिर जो लड़की है उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएगा ये यूट्यूबर, और उसमें कमेंट में ऐसे गंदे गंदे विचार आएंगे, लोगों के कमेंट आएंगे। तो मतलब एक अच्छी बात है अगर उसका लड़का वर्ड ढूंढ रहा है उसका तो, लेकिन एक अश्लीलता एक उसकी भी सीमा होती है, मतलब एक चीज़ों की भी कि किस टाइप से उसको बताना है, तो मतलब हद हो जाती है यार। तो इस टाइप का अगर आप भी वीडियो बना रहे हैं और इस टाइप की अश्लीलता वाली बातें कर रहे हैं तो आपको भी सावधान होने की आवश्यकता है, इस टाइप की वीडियो कभी नहीं बनाना चाहिए आपको। जो दूसरी कैटेगरी है वो कैटेगरी होती है कि आपने वीडियो बनाया, जैसे कि मैं लाइक बताऊँ तो एक यूट्यूबर क्या बता रहा है, बोले मोदी जी लॉकडाउन में सबके खाते में 1-1 लाख रुपए डालेंगे, एक स्कीम नई पास हुई, जल्दी से इस थंबनेल इस वीडियो पर क्लिक करो, इस थंबनेल पर क्लिक करो, फॉर्म भरो, अपने सब काम छोड़ दो। अब भैया कितनी सच्चाई है, सबको पता है कि 1 लाख रुपए मोदी जी किसको देंगे लॉकडाउन में, गरीबों को, कहाँ से देंगे, इतना पैसा है क्या सरकार के पास, आप भी सोच सकते हैं इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, लेकिन अनगिनत कुछ भी बताते रहते हैं अनबन जो भी मजे। तो इस टाइप के अगर आप भी थंबनेल बनाते हैं, इस टाइप के अगर आप भी ये इस टाइप से क्लिक बैंक वाली थंबनेल बनाते हैं कि एक तरह से क्लिक बैंक है कि क्लिक करवाने के लिए अप्रोच कर रहा है आप वो ऑडियंस को, इस टाइप के अगर आप भी बनाते हैं थंबनेल की ये ऑफर आया, ये स्कीम चली है, ऐसा हो गया, मोदी जी ने ऐसा कर दिया या फिर इस बंदे ने ऐसा हो गया, तो इस पर सावधान रहने की जरूरत है। अभी एक बंदे के मैं एक यूट्यूबर है, आपने देखा होगा, यूट्यूब अगर नहीं देखा है तो आपने उसकी जानकारी पड़ी होगी, मेरे ही अच्छे क्लोज संबंध
संबंध है उनसे आल हिंदी में हेल्प करके, उनका एक यूट्यूब चैनल था, मतलब 3 मिलियन सब्सक्राइबर थे उनके, 3 मिलियन, आप समझ सकते हैं 3 मिलियन होने में कितना टाइम लगता है, 3 मिलियन सब्सक्राइबर थे और अच्छे खासी मतलब महीने के 2 लाख से लेके 5 लाख इनकम होती थी उनकी यूट्यूब एडसेंस से। चैनल यूट्यूब ने डिसेबल कर दिया इसी कारण से, और उनको केवल एक ईमेल करा उन्होंने कि आपका चैनल, आपने जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस अवॉइड करी है, आपने उसका उल्लंघन करा है, आपका चैनल डिसेबल किया जाता है, बस, और डिसेबल कर दिया। रोते रहे, वो एक चैनल बनाया दूसरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उन्होंने अपनी आप बीती बताई, रो रहे वो, क्योंकि यार दम रखाता है 2 लाख से 5 लाख रुपए यूट्यूब से कमाना और एकदम डिसेबल हो जाना। मैंने जब, हालांकि बाद में जब उन्होंने फिर बहुत सारे यूट्यूबर की हेल्प ली और फिर बहुत सारे ईमेल करे, तब जाके यूट्यूब ने उनका चैनल तो वापस कर दिया वार्निंग के साथ। जब मैंने उस चैनल पर जाके देखा तो मैं भी दंग रह गया, यार इतनी ऐसी यार स्कीम बता रहे, ऐसे क्लिक बैक कर करके बताना चाह रहे वो कि इस थंबनेल को टच करो आपको अभी 1,000 रुपये जीत जाओगे आप, ये मोदी जी ने ये स्कीम लाए, आप अभी किसान हो तो ये स्कीम का फायदा उठाइए। ये जब वीडियो देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता यार, तो इतना भी मतलब आप मत बोलो झूठ यार। अभी आपने वो इनो का एड देखा होगा कि इनो लगा लो गोरे हो जाओगे, अब इनो के मुंह पे लगाने वाली चीज है, मतलब यूट्यूब अमेरिका में ऐसा नहीं चलता, अमेरिका यूके इधर तो, लेकिन इंडिया में पता नहीं यूट्यूब क्या करता रहता है, सोता रहता है, वो ध्यान नहीं रखता कि ऐसे ऐसे क्लिक बैक वाले बनते हैं, लेकिन लिस्ट जरूर बनाता है यूट्यूब, और जब उसके रडार पर आप आ गए आपका चैनल परमानेंट डिसेबल होना है, परमानेंट बंद होना है, तो ये सावधानी रख लीजिए। एक और मैं बताता हूँ एक किस्सा, अभी हाल ही पहले की एक खबर है कि एक बंदे ने मुकेश अंबानी का फोटो लगाया और कह रहा है मुकेश अंबानी सबको पैसे बांटेगा, कितने बोले सबके खाते में, सब यहाँ पर अपना जनधन का खाता खोल लो और जिसका खाता नहीं है वो खुलवा लो, जो मुकेश अंबानी सबके खाते में 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए डालेगा जो भी गरीब है, ये स्कीम है, ये क्लिक फॉर्म दिया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप उसको क्लिक करो और फॉर्म भर दो। अब भैया कितनी सच्चाई है, मतलब उसमें यूट्यूब उसका अमिताभ बच्चन का यार फोटो लगा लेते हैं, वो सलमान खान का फोटो लगा लेते हैं और कहते हैं ये सबको मुफ्त में ऐसा कर रहे हैं आप उसको क्लिक करो, मोदी जी का फोटो लगा लेते हैं बोले मोदी जी ने किसानों के लिए ये स्कीम लाया अभी फॉर्म भरो सब काम छोड़ दो, तो ये किस टाइप के यूट्यूबर बन गए हैं, मतलब भैया जिस दिन फंसोगे ना अच्छे फंसोगे, तो अभी भी समय है कि इस टाइप के अगर हरकतें कर रहे हैं तो अभी भी आप भी छोड़ दो, अगर आप भी ये हरकतें कर रहे हैं तो आपके लिए भी सावधानी वाला सबक है, ये छोड़ देना चाहिए आपको, इन चीज़ों से हमें बचने की आवश्यकता है, इन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में मैंने इतने ही टॉपिक कवर करे हैं, तो इन चीज़ों से बचो और एक जेन्युइन कंटेंट दो यार, आपकी ऑडियंस आप पे भरोसा करती है, उनको एक जेन्युइन कंटेंट दो, रियल कंटेंट दो, सही कंटेंट दो, मतलब आप पे भरोसा कर रही है आपके, कितनी गालियां मिलती है उन चैनल उन पे कमेंट में देखना कितनी गालियां मिलती है उनको, बहुत गालियां बकते हैं, तो ये YouTube भी देख रहा है, ऐसा नहीं देख रहा है, वो सब कुछ नजर है आपकी, और जिस दिन आप उसको गुस्सा है वो सब खत्म कर देगा, पूरी अर्निंग धरी की धरी रह जाएगी, रोते रह जाओगे, कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा रहेगा, इसलिए इसको अगर एज ए कैरियर के तौर पर जानो, और कैरियर जब हमारी नौकरी रहती है तो हमें कितना डर रहता है उसको खोने का, कितने हम सावधानी बरतते, एक नौकरी खोने का डर रहता है कि हम क्या करेंगे, तो ऐसा ही है YouTube एज ए कैरियर के तौर पर कई लोग अपना चुके हैं, अगर आपको भी परमानेंट इस पर काम करना है तो ये सावधानी रखनी है। और हाँ, केवल 2-4 दिन काम करना है, 1 साल कमा लिया, 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये कमा लिए, 5 लाख कमा लिए और फिर जैसे आराम, तो ऐसा नहीं है, आपको अगर करना है इसमें काम तो फिर जेन्युइन कंटेंट देना पड़ेगा और सही कंटेंट देना पड़ेगा आपको, तो ये बात ध्यान रखिए मेरी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना।